हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन पाठक है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरे साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 3, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम लोग इनकम डिटरमिनेशन या इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं। हालांकि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का जो मेजरमेंट होता है वो होता है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं दिमाग के अंदर कि एक्सेस डिमांड का मीनिंग हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं और जब एडी ग्रेटर देन एएस होता है तब भी हम एक्सेस डिमांड पढ़ते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और 6 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली स्कोर करवाएगा आप लोगों को। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस हिस्से को, मीनिंग समझते हैं सबसे पहले कि एक्सेस डिमांड का क्या होता है। यहाँ पर हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की बात नहीं करेंगे, यानी कि हम वो सिचुएशन के बारे में बात नहीं करेंगे जहाँ इकॉनमी अपने आप को अपने आप से एडजस्ट कर लेती है। यानी कि जब अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो यानी कि इसका कहने का मतलब होता है कि सप्लायर ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद जो डिमांड को मैचअप कर देती है। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सेस सप्लाई की जब बात होती है तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन को कट कर देते हैं, तो ये वो सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन है आपकी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। यहाँ पर एक केन्जियन अप्रोच की जो सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस थी कि हम लोग बात करते हैं केन्जियन अप्रोच के हिसाब से कि इकोनॉमी के अंदर जब इक्विलिब्रियम के बारे में बात आती है तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है अबव द इक्विलिब्रियम और बिलो द इक्विलिब्रियम। तो ये दो सिचुएशन आपको मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ, फिर मैं आगे मूव ऑन करूँगा। देखिए केन्जियन अप्रोच के हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि यहाँ पर 45 डिग्री का है। यहाँ पर आप वाई ले लीजिए या नेशनल इनकम या रियल जीडीपी या इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, और यहाँ पर आपने एग्रीगेट सप्लाई और ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व। यहाँ पर क्या मीनिंग है इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम को बता रहा है, इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि यहाँ पर एडी और एएस क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यानी कि हमने इसे क्या बोला, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में अचीव कर चुकी है। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या अचीव कर लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि ई वो पॉइंट है जहाँ पर प्लांट एग्रीगेट डिमांड प्लांट एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। याद रखना प्लांट की जगह हम इसको एक्स एंटेनिक एंटिसिपेटेड और यहाँ पर हम इसको डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एडी और एएस बराबर है इस वाले पॉइंट पर। बट केन्जियन अप्रोच क्या कहती है, क्लासिकल अप्रोच से कैसे डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई और ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग अचीव कर चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि जब भी इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट में दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। वो कौन कौन सी होती है, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है आप लोगों का फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल में फ़र्क क्या होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अराइज होती है, ड्यू टू चेंजेज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि कब अराइज होती है, ड्यू टू चेंजेज इन टेक्नोलॉजी। और फ्रिक्शनल क्या होता है, लाइक जब आप प्रमोशन के लिए एक जॉब को शिफ्ट करके दूसरे जॉब में जाते हैं तो ठीक है, ड्यू टू चेंज इन जॉब। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग मैंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, ऑफकोर्स होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने क्या बात किया कि हमारे यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि इकॉनमी हमारी यहाँ पर क्या कर चुकी है, ई पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम में एडजस्ट कर चुकी है अपने आप को, और ये हमारी इनकम है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, अब होता क्या है ड्यू टू अदर कॉजेज के बारे में भी आएंगे, बट पहले ये समझिए ड्यू टू अदर कॉजेज का मतलब है क्या कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, ये बढ़ गई है। तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अब कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम का लेवल क्या हो गया, वहाँ पर एडजस्ट हो गया। अच्छा एक बात और कि जब भी हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो याद होगा जब हम माइक्रो इकोनॉमी से पढ़ के आते हैं तो डिमांड कर्व आपने देखा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो याद रखना कि वो हम प्राइस से रिलेटेड करते थे, और जब हम 12th में आते हैं तो शॉर्ट रन में हम एग्रीगेट डिमांड को इनकम से रिलेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई क्या है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। कई बार हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ, ड्यू टू सम रीजन बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक है, तो एक्सेस जब हुआ तो आपने क्या देखा कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिला आपको, E1 पर। तो इसको केन्जियन अप्रोच कहता है क्या कि यहाँ पर जब हम रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो यानी कि हुआ क्या, इकॉनमी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट में थी, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्यों इंक्रीज करता है तो उसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही ईजी रीजन है, आपको रटना नहीं पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो गया, एडी अपने से एक्सेस हो गया। तो एक्सेस में यहाँ पर ध्यान देना दो बातों के कारण हो सकता है,
या तो हम कह सकते हैं हमने क्या करा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स किया है। ध्यान देना यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा रिमार्क में, एक हमने क्या किया है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा जाए, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्या देखने को मिलता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि लोगों के पास काम होता है, वो काम करने को, लोगों के पास काम है जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है, बट लोग काम करने के इच्छुक नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, गॉट इट। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि एग्रीगेट डिमांड जो था वो अपने यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होने के बाद जब बढ़ा तो ये क्या हो गया, ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ओवर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि यहाँ पर इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एक्सेस डिमांड, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड को अगर मैं कहूँ कि कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं डिफाइन करने के। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, क्या होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब एग्रीगेट डिमांड क्या करती है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। या एट द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई इज नॉन एज एक्सेस डिमांड। क्लियर होगी बात यहाँ तक, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड की। तो डेफिशिएंट डिमांड का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, तो ये सारा हिस्सा आपने समझा। और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए एक और सिचुएशन हम लोग अराइज करते हैं। हमने यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर, ध्यान दीजिएगा कि जब भी डायग्राम बनाएं तो वेरिएबल्स जरूर मार्क करें, वरना डायग्राम बनाए मत। अगर डायग्राम बना रहे हैं तो वेरिएबल्स बताएं आपने यहाँ पे क्या लिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ करा और ये रहा आप लोगों का एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव थी, ठीक है यहाँ तक। अब ड्यू टू सम रीज़न इकॉनमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने का मतलब क्या हो गया, ये रहा आपका, तो एडी क्या हो गया आपका, अंडर यूटिलाइजेशन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो पहले इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ थी, इस वाले पॉइंट पर, अब कहाँ चले गए इक्विलिब्रियम में, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो वाई से क्या हो गया, वाई डैश कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा इसको, ई डैश। अब एट द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल व्हेन एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है, तो इसे हमने क्या बोला यहाँ पर, डेफिशिएंट डिमांड। ध्यान देना इस बात को, क्या क्या हम लोगों ने, डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब मैं अगर आपसे आगे कहूँ कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग क्या है, तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग सिंपल सा ये है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, और जब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड कर जाए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा प्लांड है और ये क्या है, ये एक्चुअल है। तो यानी कि प्लांड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है, प्लांड एग्रीगेट डिमांड और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का जो डिफरेंस होता है, उसे भी हम लोग एक्सेस डिमांड कह सकते हैं। सेम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है आगे जाकर के, यहाँ पर दो बातें हैं। केन्जियन अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने आपसे अगर बात कहूँ तो एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, देखो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट, एट द अंडर एम्प्लॉयमेंट, एट द ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ओवर, अंडर और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास पहला पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन। क्या हो रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन। पॉइंट नंबर दो अगर मैं कहूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हम लोग को इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री, यानी कि कौन सी सिचुएशन होती है, ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग काम करने के लिए तैयार हैं, बट जब जिस रेट पे वो काम करना चाहते हैं वो रेट उन्हें मार्केट में नहीं मिलता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एक्सेस डिमांड क्या है और डेफिशिएंट डिमांड क्या है, बट हाँ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में जब हम अब आएंगे तो हम बात करेंगे कि एक्सेस डिमांड के कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ क्या है, मतलब कि एक्सेस डिमांड क्यों अराइज होता है, या डेफिशिएंट डिमांड के क्या कॉजेज़ है। पॉइंट नंबर वन, एक्सेस डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, मेजर यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप के थ्रू मेजर किया जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग क्या है, सिंपल सा, तो सिंपल सा मीनिंग है कि जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, और डेफिशिएंट डिमांड को किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, तो यानी कि ये दो पॉइंट। उसके बाद हम लोग आएंगे इस टॉपिक में और डिस्कस करेंगे कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए कौन सी पॉलिसी है। तो वो दो पॉलिसी हम लोग के पास,
मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फिर जब याद होगा आपने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि आप तो वहाँ नहीं पढ़ा तो यहाँ पर समझ देना। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, यानी कि CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में क्या आ गया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट आ गया आपका, क्रेडिट राशनिंग आ गई आप लोगों की और मोरल सुसेशन। तो ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन टारगेट करता है क्योंकि कंटेंट पूछने के तरीके बहुत है उसके पास। फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं, तो फिजिकल पॉलिसी में आप 4-5 पॉइंट याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक एक पब्लिक बोरिंग हो गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर आप लोग कह सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कह सकते हैं, उसके बाद आपका एक टैक्सेस हो जाता है और एक सब्सिडी हो जाती है। तो ये है हमारा कंप्लीट एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाला चैप्टर। सो आई होप सो आपने इतना समझा और इसको नोट डाउन करिए, यहाँ से हो सकता है कि 1 मार्क्स से 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर फटाफट से मैं इसको रब करता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड के बारे में और डेफिसिट डिमांड के बारे में। तो देखिए जैसा कि समझा आप लोगों ने कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये हम लोगों का है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दैट इज़ 45 डिग्री, यानी किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हमने एक कर्व और ड्रॉ करा जिसको बोला एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, और इकॉनमी हमारी यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये हमारी क्या है, इनकम का लेवल है। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपने GDP बोल दिया और यहाँ पर आपने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ले लिया है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, हुआ क्या कि एक तो हमने ये वाला डायग्राम बना लिया और एक और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा फ्रेम पूरा क्लियर हो जाए। ये रहा हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व और हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर चुके हैं। अभी आप जब देखेंगे ध्यान से तो इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, फर्क नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज़ हमारा लेबल कर लीजिएगा डायग्राम को आप लोग, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है और ये हमारी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है। अब हम लोग याद होगा आप लोगों को जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते थे, तो एग्रीगेट डिमांड में हमने याद है क्या पढ़ा था, तो एक तो क्लोज इकॉनमी का मॉडल है, एक ओपन इकॉनमी का मॉडल है। तो ओपन इकॉनमी के बारे में अगर बात करें, C+I+G+X-M, तो यानी कि यहाँ पर आप या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ सकती है इकॉनमी के अंदर, क्या वो कॉजेज हैं जहाँ से एग्रीगेट डिमांड राइज कर सकती है। तो याद होगा यहाँ पर सी का मतलब क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, इसके अंदर दोनों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आती है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन कर सकता है, तो एक तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर करती है ना, और एक क्या करती है, गवर्नमेंट सेक्टर करती है। बट वहाँ पर कौन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है, बाय हाउस होल्ड। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लेते हैं, केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, ध्यान देना इस बात को, बाय हाउस होल्ड, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि लोगों की क्या बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। चौथा पॉइंट, यहाँ पर लोगों ने क्या करना, एक्सपोर्ट करना इंक्रीज कर दिया है, यानी कि एक्सपोर्ट क्या कर जाएगा, जब इंक्रीज कर जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, आप लोग का जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट क्या कर जाएगा आप लोग का, जब डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप बाहर चीज़ें बेचेंगे तो पैसा अपनी इकॉनमी में आएगा, और जब आप बाहर से चीज़ें खरीद कर लाएंगे तो पैसा अपनी इकॉनमी से बाहर जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर डिक्रीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, लोगों का कंजम्पशन लेवल बढ़ गया है इकॉनमी के अंदर। अच्छा, अब बातें दो आती हैं कि कंजम्पशन लेवल क्यों बढ़ सकता है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया हो, या बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हो तो लोग ज़्यादा खर्च करने के लिए उत्सुक हो गए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट, फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक मैंने एक सेटअप बनाया पूरा बहुत अच्छा, यानी कि मैंने वहाँ पर 2 करोड़ रुपये खर्च करे, तो 2 करोड़ कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में लोगों के पास पहुँचेंगे, लोग उसको खर्च करेंगे, फिर वापस किसी न किसी के लिए इनकम बन जाएगी। तो वो एक तरीके से क्या समझना है, हमें ये प्रोसेस को समझना है। हमने एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया है, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वैसे लोगों के पास वो चीज़ पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब क्या हुआ, इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट था, सब कुछ ओके था, बट ड्यू टू दिस कॉजेज क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड अपने लेवल से बढ़ गया। तो एग्रीगेट डिमांड जब अपने लेवल से बढ़ गया, तो यानी कि हमने क्या बोला इसे, एक्सेस डिमांड। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या चला गया, एक्सेस डिमांड पे चला गया। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ई पॉइंट से कहाँ चला गया, ई वन पॉइंट पे चला गया। आया मज़ा, बहुत ईजी था, ठीक है।
अब यहाँ पर एक्चुअल में जरा समझो ध्यान से, सेम यही चीज़ यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेम इसके कॉइज आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, एग्रीगेट डिमांड यानी कि ये सारी चीज़ें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर गई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, एक्सपोर्ट डिक्रीज कर गए, इम्पोर्ट इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हम लोगों को, यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए, तो ई से क्या हो गया, ई डैश हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ जरा समझो, इक्विलिब्रियम के लेवल में एक्चुअल कितना यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो मैं देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो गैप है, यानी कि ये कहाँ चला गया, इसका नाम अगर M दे दो, M से कहाँ चला गया, N। तो जो MN पॉइंट है यानी कि MN पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पर, इन्फ्लेशनरी गैप, यही चीज़ कहलाती है आपकी इन्फ्लेशनरी गैप, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का, इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप सेम एज इट इज यहाँ पर, यानी कि ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर कहाँ चला गया आपका, यहाँ से यहाँ आ गया है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि ई से आर नाम दे दीजिए, दो भी दिल करे आपका, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला, डिफ्लेशनरी गैप। अब यहाँ पर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को अगर बहुत इजी टर्म्स में हम समझने की कोशिश करें तो क्या मीनिंग होता है इसका, तो इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि व्हेन द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, गिर जाता है, तो उसे हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट या सिंपल वे में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो लाइक जनरल प्राइस और प्राइस लेवल का क्या मतलब है, तो जब हम मैक्रो लेवल में बात करते हैं तो वो जनरल प्राइस आता है, और जब इंडिविजुअल या माइक्रो के टर्म में बात करेंगे तो वो प्राइस लेवल आता है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, तो याद रखना एक्सेस डिमांड का मेजर है, क्या है, एक्सेस डिमांड का मेजर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप को डिफाइन करने में दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर क्या है, प्लांड एग्रीगेट डिमांड है, और ये क्या है, इकोनॉमी की एक्चुअल डिमांड है। तो प्लांड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है दैट इज नॉन एज इन्फ्लेशनरी गैप, सिंपल सी टर्म, ठीक है। या मैं अगर कहूँ ADE माइनस ADF भी क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। या मैं कहूँ N माइनस M तो क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया आपका यहाँ पर। तो इन्फ्लेशन का मतलब कि इकॉनमी में जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको कर्व करना है, कंट्रोल करना है, तो वो क्या मेजरमेंट होंगे। सेम ऐसे यहाँ पर डिफ्लेशनरी, तो जब भी आप डायग्राम बनाएं एग्जाम में तो डायग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएं। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था, ये डायग्राम बना दिया और ये सिचुएशन दे दी और पूछा कि ये कौन सी सिचुएशन को बताता है, और कोई भी दो ऐसी फिजिकल पॉलिसी बता दीजिए जिससे गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी में आप कभी भी नहीं फंसेंगे। इन्फ्लेशनरी या एक्सेस डिमांड के कॉजेज क्या है, तो मैंने आपको सिंपल से तरीके से याद दिला दिया कि ओपन इकोनॉमी का मॉडल हो गया, और इस तरीके से आपने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सेम इसके ये कॉजेज हो गए। अब बात करते हैं कि जब इन्फ्लेशनरी या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सेस डिमांड में किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, तो यहां हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वेयर पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, है ना, जहां पर पीपल क्या है, काम करने के लिए तैयार है। नहीं, गलत बोला मैंने, मतलब लोगों के पास क्या है, यहां पर काम तो मिल रहा है बट दे आर नॉट विलिंग टू डू वर्क, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा मिलना चाहिए या वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। फिर सेम यहां पर क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि पीपल तैयार तो हैं काम करने के लिए बट उन्हें जॉब मिल नहीं रहा होता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर। तो ये दो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है और यहाँ पर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। केंजियन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या बोला मैंने आपको, कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी पॉसिबल है, ओवर एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है। तो यानी कि जितना हमने पढ़ा है यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि वो आता ही आता है, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशनरी या एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशनरी या डेफिशिट डिमांड को कर्व करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह की पॉलिसी है, एक आती है हम लोगों के पास मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है हम लोगों के पास फिजिकल पॉलिसी, ओके। तो आपसे एग्जामिनर किसी एक पॉलिसी के बारे में टारगेट करके पूछ सकता है या स्पेशली कोई नाम दे सकता है। फिर याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी वाली क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर दो तरह की पॉलिसी है, क्वांटिटेटिव और दूसरा हो गया आप लोगों का क्वालिटेटिव, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में सिंपल आप लोग क्या क्या देखेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर याद रखेंगे, स्पेशल पॉइंट्स हैं, इनको कभी भी नहीं मिस करना है आप लोग को, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बोरिंग कह लीजिए या फिर पब्लिक बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा सबसे बेस्ट उपाय वो क्या है, टैक्सेस। उसके बाद क्या हो गया आपका, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग कौन सी सिचुएशन हो गई, मरता क्या ना करता, यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी हालत हो जाती है जहां वो अपनी सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास रख देती है और आरबीआई को कहती है कि प्लीज़ आप क्या करिए, इशू करिए करेंसी, यानी कि करेंसी को प्रिंट करिए। और फिर एक और अगर आपको स्पेशल लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, सब्सिडी। ये भी एक तरीका है फिजिकल पॉलिसी का, ठीक है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर, तो क्वांटिटेटिव में आपका CRR आ गया, SLR आ गया,
रेपो रेट आ गया आपके, रिवर्स रेपो रेट आ गया आप लोगों के, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया। फिर क्वालिटेटिव के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो क्या क्या आ गया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट आ गई आप लोगों की, क्रेडिट राशनिंग आ गई और मोरल सोसेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग सारे का सारा नोट डाउन कर लीजिए कॉजेज और कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ से हम लोग एक एक हिस्सा उठा करके फिर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को हम लोग इनमें से किसी भी एक पॉलिसी को उठा लेते हैं और वहाँ से कंट्रोल करने की बात करते हैं। एक इन्फ्लेशन का ले लेंगे और एक डिफ्लेशन का, इनमें से कोई सा भी एक, ठीक है। बाकी अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो आपको ये सारा अच्छे से आता है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आइए अभी कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने ये समझ लिया कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है और डेफिशिएंट डिमांड क्या है। बहुत ईजी टर्म था। अब हम बात करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोगों के पास पैसा ऑलरेडी ज़्यादा है, वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर। डिफ्लेशन का मतलब या डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है कि इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर आपको इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, और एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर आपको मनी सप्लाई पहुंचानी है लोगों तक। तो मनी सप्लाई का ही सारा का सारा खेल है। तो मनी सप्लाई एक टाइम क्या है, जहां पर आपको इंक्रीज करनी है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन मैंने बोली आप लोगों के सामने डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो मुझे एक बात बताइए जरा अच्छे से कि अगर सिचुएशन इन्फ्लेशनरी गैप की है तो यहाँ पर आप बताइए कि मनी सप्लाई को क्या करेंगे। यहाँ पर तो मनी सप्लाई को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे मनी सप्लाई का। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हम इकोनॉमी के अंदर से मनी सप्लाई को कम करेंगे जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और मैं अगर यहाँ पर पूछूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मनी सप्लाई का एक्सपेंशन करेंगे। अब मनी सप्लाई दो तरीके से, एक तरीके से हम लोग करेंगे। तो मनी सप्लाई को एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए दो तरह की पॉलिसी है आप लोगों के पास, कौन कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो सबसे पहले हम एक फिजिकल पॉलिसी उठाते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी में हम सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं टैक्सेस का, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझिएगा एक एक करके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टैक्सेस क्या है, तो टैक्सेस का मतलब है एक तरीके से बर्डन, है ना। बर्डन किसके ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर, ठीक है। अभी कहता है अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे, है ना, इफ़ द टैक्स रेट क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो टैक्स रेट अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है वो क्या हो जाएंगी, एक तरीके से महंगी हो जाएंगी, है कि नहीं। यानी कि वो क्या हो जाएंगी, कॉस्टली हो जाएंगी। तो कॉस्टली का मतलब जो इकोनॉमी के अंदर लोग हैं, लोग मतलब जो पीपल हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ पर, दे परचेज लेस। यानी कि एक तरीके से दो बातें कह सकते हैं, या तो वो परचेज कम करेंगे या कुल मिलाकर के जो उनकी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप 10 रुपये लेकर के मार्केट में गए, आपने सोचा कि 10 रुपये में 1 किलो गोभी आ जाएगा, लेकिन वैसे ही आप जैसे ही मार्केट में घुसे तो आपको पता चला कि 20 रुपये किलो हो गया है गोभी। तो कहने का मतलब आप 1 किलो की जगह कितना खरीद के लाएंगे, आधा किलो। तो यहाँ पर परचेजिंग पावर कम हो गई। तो ऐसे सेम अगर गुड्स का टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है तो क्या हो जाएंगे, कॉस्ट हो जाएंगे। तो पीपल क्या करेंगे यहाँ पर, उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर जब उनकी रिड्यूस हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे, दे परचेज लेस गुड्स, या फिर वो क्या करेंगे, लेस डिमांड करेंगे किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी डिफिनेट, कोई भी अलग तरीके से मत सोचिए, बस याद रखिए कि कुछ पॉइंट्स वाइज क्या करिए, एलोबरेट कर लिए, ठीक है। लाइक और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो एक आपने टैक्सेस का एग्जांपल देख लिया, ठीक है। और हम एक अगर एग्जांपल लेते हैं लाइक बोरोइंग का, तो बोरोइंग का मतलब क्या है कि जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार लेती है। तो लोगों से पैसा उधार कब लेगी गवर्नमेंट, ज़रा सोच कर देखिएगा। लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होगा तब उधार लेगी, या लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा तब उधार लेगी। तो ऑफकोर्स आपका आंसर क्या होगा, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा। अच्छा, बोरिंग जब गवर्नमेंट करेगी यहाँ पर, तो बोरिंग करने का मतलब क्या है कि लोगों की मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी, तो मनी सप्लाई इकॉनमी से क्या हो जाएगी, रिड्यूस करेगी। तो जब उनके पास पैसा क्या होगा,
उनके पास पैसे कम बचेंगे तो कहने का मतलब क्या होंगे, वो लेस गुड्स एंड डिमांड, यानी कि जो डिमांड करेंगे वो गुड्स एंड सर्विस के करेंगे, लेस करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, क्योंकि अगर ज़्यादा करेगी तो इसका मतलब मान लीजिए अगर स्कूल कॉलेज बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो इसका मतलब लोगों के पास कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली में पैसा ज़्यादा पहुँचता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब्सिडी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये था आपका फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए एक्सेस डिमांड सिचुएशन में तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट नहीं किया जाता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि नाम के आगे क्या है, डेफिसिट और फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, करेंसी प्रिंट करने के लिए आरबीआई को ऑर्डर करती है, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप क्या करिए, इकोनॉमी के अंदर इश्यूज को, करेंसी को इशू करिए। कैसे करेंगे, क्योंकि आरबीआई देखती है इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई तो हो रही है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको मैं सिक्योरिटीज़ देती हूँ, यानी कि मेरे सिक्योरिटीज़ आप गिरवी रख लीजिए, और आरबीआई क्या करती है फिर उस बिहाव पर करेंसी यानी कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाती है और लोगों तक पैसा पहुँचाती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एक शॉर्ट टर्म मेजरमेंट अच्छा है। तो ये था हमारा यहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग को, मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को समझने के लिए। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की जब, डेफिसिट डिमांड की जब बात आएगी तो यहाँ पर टैक्सेस रेट को क्या करेंगे, हम लोग डिक्रीज कर देंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और बोरिंग क्या करेंगे हम, यानी कि लोगों तक पहुँचाएंगे। तो बोरिंग एक नहीं है सिचुएशन सही वहाँ पर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ तक बात, अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग सबसे पहला उठाते हैं सीआरआर, या हम लोग अगर कहें बैंक रेट, या हम लोग कहें रेपो रेट, या हम लोग कहें रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो यानी कि ये जो सिचुएशन है, ठीक है, यानी कि ये जो सिचुएशन है, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर आपसे मैं कहूँ तो हम लोग क्या करते हैं, आरबीआई ओपनली क्या करती है मार्केट में, सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेज करती है। क्या करती है, सेल एंड परचेज। अब दिमाग में ये नहीं आता है कि हमें किस टाइम सेल करना चाहिए और किस टाइम परचेज। तो सेल करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कब करेंगे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में सेल करेंगे, और परचेज कब करेंगे हम लोग, तो डेफिसिट डिमांड के टाइम में। अच्छा, ये चीज़ आपने कैसे बता दिया कि हम यहाँ पे सेल करेंगे, तो वैसे तुम्हें एक लॉजिक है बहुत छोटा सा याद होगा, हम लोग जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एसईडी पढ़ते हैं, एसईडी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट से हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सेल कर रहे हैं, किस सिचुएशन में, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में। तो आप इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, बट लॉजिकली क्या है ये भी समझते हैं एक एक करके। देखिए सिंपल सी चीज़, ये जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यानी कि सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर क्वालिटेटिव का उठा लूँ मैं यहाँ से, ठीक है, तो जब भी एक्सेस डिमांड होगा तो आप इनको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, तो आप इनको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी कि चाहे वो सीआरआर रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट, चाहे रिवर्स रेपो रेट, चाहे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी। और जैसे ही मैं बात करता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें डेफिसिट डिमांड में, ये सब क्या कर देंगे आप इस टाइम, यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। यानी कि आरबीआई जब भी क्वार्टर पीरियड में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है तो आप लोग हमेशा सुनते हैं कि सीआरआर रेट, बैंक रेट, रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सीआरआर का रेट जो है हमारे पास इस टाइम 4% है। तो सीआरआर का रेट अगर 4% है तो क्या मतलब हुआ कि इसका मिनिमम रेट होता है 3%, मैक्सिमम होता है 15%। अगर मैं 2009 की बात बताऊं तो सीआरआर का रेट उस टाइम 7% के करीब था। तो 7% के करीब का मतलब क्या हुआ, तो यानी कि कहने का मतलब है कि वहां पर उस टाइम और आज के टाइम में क्या फ़र्क हो गया, फ़र्क यह है कि अपने ऑलरेडी मिनिमम लेवल पर है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो रही हैं लेकिन डिमांड साइड नहीं फोर्स हो रही है ज़्यादा। तो इन सबको क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। तो सबका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जैसे ही हम लोग इनको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं बनाता हूँ एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू। चलिए आप समझते हैं हम लोग सीआरआर के बारे में। देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि सीआरआर इंक्रीज करने का क्या मतलब है, तो आपको याद होगा कि सीआरआर और डिमांड डिपॉजिट में जब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते थे कि अगर सीआरआर का रेट कम होगा तो यानी कि कम होने का मतलब है कि इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज कराना, ठीक है। तो यानी कि सीआरआर और डिमांड डिपॉजिट में कैसा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन था। तो सबसे पहली बात है, अगर सीआरआर का रेट हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है, तो एक्सेस डिमांड में या इन्फ्लेशनरी गैप में कभी भी हम लोग इसको कम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर के रेट को हम लोग यहाँ से यही हिसाब करता हूँ, सीआरआर को क्या कर देंगे हम लोग, इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज का मतलब हुआ कि इकॉनमी के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं अब वो क्या कर पाएंगी, यानी कि वो डिमांड डिपॉजिट
कौन से डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स क्या कर पाएंगी अब, यानी कि कम कर पाएंगी। तो डिमांड डिपॉजिट क्या हो जाएगी उनकी, रिड्यूस कर जाएगी। तो डिमांड डिपॉजिट रिड्यूस करने का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर वो लोग लोन यानी कि बोरोइंग क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो मनी सप्लाई होगी यहाँ से क्या हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, रिड्यूस कर जाएगी। यानी कि रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी होगी यानी कि किसकी, मनी सप्लाई की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि रिड्यूस होगी तो कहने का मतलब वो इकोनॉमी के अंदर क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो ये एक CRR का फंडा है। अब बात करते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। देखिए आप सबको पता है कि बैंक रेट वो रेट होता है जो RBI डिसाइड करते हैं कमर्शियल बैंक के लिए लॉन्ग टर्म लोन के लिए। रेपो रेट वो रेट होता है जो RBI डिसाइड करती है कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पता है तो ऊपर आई कार्ड होगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो होगी, उसको पहले देखिएगा अच्छे से, तब इसको अगर आप दोबारा देखेंगे तो इतना मज़ा आएगा। इन्हें कुल मिलाकर के 12 नंबर की सबसे स्कोरिंग यूनिट है और आप इजीली इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। सो आपको पता ही, अगर पसंद आते तो थोड़ा बहुत शेयर वगैरह भी मार दिया करो, लाइक वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग बैंक रेट और रेपो रेट। तो बैंक रेट या रेपो रेट, देखिए सिंपल सी चीज़ कि बैंक रेट एंड रेपो रेट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इंटरेस्ट वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बैंक रेट इंक्रीज़ करा देते हैं, तो बैंक रेट इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आगे जब कमर्शियल बैंक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई करेंगे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, ऑफकोर्स हाई करेगी। तो जो कंज्यूमर होंगे वो क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे, यानी कि पैसे क्या करेंगे, कम उधार लेंगे। कम उधार लेंगे कि इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, मनी सप्लाई ऑलरेडी कम होगा, और मनी सप्लाई जब ऑलरेडी कम होगा तो इसका मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड होगी वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट के बारे में जब बात करेंगे तो वो क्या होता है, देखिए आप सबको पता है रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जहाँ पर हम लोग ये सुनते आए हैं कि RBI से कौन उधार ले लेता है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर पॉज करके करते हो तो, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि रिवर्स रेपो रेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा फंडा है जहाँ पर कमर्शियल बैंक उधार देती है RBI को अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जब अगर RBI अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ कर देगी तो ऑफ कोर्स जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा लोगों को ना देकर किसको देना पसंद करेगी, RBI को देना पसंद करेगी। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट को भी क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, बोरिंग कम करेंगे, या लोगों के पास मनी सप्लाई क्या होगा, कम पहुंचेगा। मनी सप्लाई जैसे ही कम पहुंचेगा तो इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट का। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा मार्जिन रिक्वायरमेंट से पहले OMO के बारे में बात कर लेते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम लोग सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेज करते हैं। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, मान लीजिए ये मार्कर है, इसकी वैल्यू 50 रुपये की है, ज़रा समझ कर देखिएगा। और मैंने कहा ये मार्कर आप खरीदोगे, तो आपने बोला हाँ मैं खरीदूंगा, क्यों, मैंने कहा इस पर आपको बाद में मैं इससे आपसे 60 का खरीद लूँ या 55 का खरीद लूँ, तो मैंने आपको ये मार्कर दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए। तो कहने का मतलब इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो मुझे वो पैसे क्या करने हैं, लेने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिक्योरिटीज़ बेचूंगा। तो सिक्योरिटीज़ जब मैं आपको बेचूंगा तो आप क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे। इसको खरीदने का मतलब मैंने आपसे पैसे क्या करे, कम कर लिए। तो मैं क्या करता हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन में, एक्सेस डिमांड सिचुएशन में क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। बाकी अगर सेल और परचेज में कन्फ्यूज होते हैं तो क्या लॉजिक बताएं, SED आपको पता है, आपका चैप्टर का नाम क्या, सस्टेनेबल एनवायरमेंट डेवलपमेंट। तो सेल करेंगे किस सिचुएशन में, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अब सेल करने का मतलब क्या हो गया, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कहाँ से, पीपल से कम होंगे, तो कम होने का मतलब क्या हुआ, सेम प्रोसेस फिर आगे चलेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट की अगर बारे में बात करूँ तो ये सिंपल सा, मान लीजिए आपकी ज़मीन के कागज़ हैं, ठीक है, और ज़मीन के कागज़ की वैल्यू कितने की है, 10 लाख रुपए की है। तो ज़मीन के कागज़ की वैल्यू का 10 लाख है तो क्या आपको लोन भी 10 लाख का मिलेगा, नहीं मिलेगा ना 10 लाख का, मान लीजिए 8 लाख का मिल गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये सिक्योरिटी अमाउंट हो गया और ये क्या हो गया, लोन अमाउंट हो गया। तो सिक्योरिटी अमाउंट और लोन अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ पर आपके ज़मीन के जो कागज़ है वो 80% का क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, तो 8 लाख का मिलेगा। अगर इसे मैं बढ़ा 90% तो कितना मिल जाएगा आपको, 9 लाख का मिल जाएगा। तो एक बात बताएंगे यहां पर कि जब हम एक्सेस डिमांड के बारे में बात करेंगे तो हमें इस चीज को समझना है कि 7 लाख या 8 लाख कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट के भी प्रोसेस के बारे में हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी हिस्सा आपको इस लेक्चर का समझ